बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जांजगीर से आ रही है, जहां पर देशी शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि मृतकों में थल सेना का जवान भी शामिल है और 3 लोगों का यहां पर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बता दें कि फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको जांजगीर से बता रहे हैं, जहां पर देशी शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में थल सेना का जवान भी यहां पर शामिल था और इलाज के दौरान ही बता दें कि 3 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और देश प्रदेश में देशी शराब पीने से लगातार मौत का सिलसिला जो है बढ़ता जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आर के गांधी जुड़ चुके हैं, जो कि बता रहे हैं कि देशी शराब पीने से 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, जिस तरह से वहां पे शादी का माहौल था, शादी की खुशी थी वहां पे, लेकिन देशी शराब पीने से जिस तरह से 3 लोगों की मौत हुई है, शादी की खुशी मात्रा में बदल गई है। और ये जो सेना का जवान है, उसकी अभी हाल ही में ही शादी हुई थी और बताया जा रहा है कि ये जहरीली शराब है। तो निश्चित तौर पर जहरीली शराब से इस मौत के लटने के बाद में काफी हड़कंप मचा हुआ है और बीजेपी के नेताओं ने इस पे मुआवजे की भी बात कही है कि सरकार इसे मुआवजा दे। बताया जा रहा है कि इसमें उनकी 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। जिस सेना के जवान की मौत की बात कही जा रही है, उसकी 2 दिन पहले ही शादी हुई थी और उगदा निवासी नंदलाल कश्यप की भी इससे मौत हुई है। आज गांव के लोगों में कहा यह जाता है सुबह से कि भोज के लिए आमंत्रित किया गया था और जो मृतक नंदलाल कश्यप है वो 2 अन्य लोगों के साथ थे, जो परस राम साहू और सतीश कश्यप के साथ है। सुबह दाल पिसाने के लिए निकला था और बीच में तीनों ने वही गाँव के कोसी से एक देसी शराब दे दी और जिसके बाद वो तीनों बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में उन्हें नवागावगढ़ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने 3 को मृत घोषित किया। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए नवागढ़ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां ले जाया गया है। इस बीच में नेता प्रतिपक्ष का बयान भी निकल के सामने आया है, उन्होंने 50 लाख रुपए मुआवजे की बात है यहां पे कही है कि सरकार इनको मुआवजा दे। और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंद्र जहरीली शराब से मौत की खबर सुनकर वहां पहुंचे। संदिग्ध मौत के मामले में सरकार पे उन्होंने आरोप भी लगाया और तीनों की मौत पर सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और साथ ही उन्होंने सरकार से अपना वादा निभाते हुए जिस तरह से लगातार बीजेपी जिस तरह से पुल रोक की बात को लेकर मांग करती रही है शराबबंदी को लेकर, और तो निश्चित तौर पर शराब जहरीली शराब से इस मौत की घटना के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। और चूंकि गाँव के ही कोचे से शराब खरीदी गई थी और आज ये सुबह का ही मामला है, निश्चित तौर पर जहरीली शराब पीने से मौत के इस मामले में प्रशासन के सभी लोग जांच में जुटे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जल्द जानकारी के लिए। जैसा कि देख सकते हैं, जांजगीर में देशी शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में थल सेना का जवान भी यहां पर शामिल था।